तो अभी गाइस फिर से गाड़ी रोकनी पड़ी, कुनाली रो रहा है अब भाई। हम इतनी बार उतर गए ना छाया में, चलो छाया में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं और फिलहाल नहा धो के रेडी हो गया हूँ मैं, बिकॉज आज हमको जाना है मनाली हमारे म्यूजिक वीडियो के शूट के लिए। फिलहाल अभी हमें चंडीगढ़ में लास्ट लोग हम देखा होगा, पूरी फैमिली, मम्मी पापा, साहिल, पीयूष, मैं, सब आए हुए हैं। तो कल रात को हमने यहीं स्टे कर लिया चंडीगढ़ में, तो आज निकलेंगे मनाली के लिए। और मनाली में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मनाली में कभी आज तक गया नहीं हूँ मैं, तो काफी एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे उठ जा पीयूषी, निकलना है जल्दी, चलो फिर। चलो फिर, मेरे को तो चलो फिर, नहाया है नहीं कुछ भी, पहनने बस, बिना नहाए धोए हैं। मैंने तो सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी नहा लिया, लेकिन इसने नहीं नहाया। ये कह रहा है ऐसे ही जाऊंगा, बिना नहाए जाऊंगा, क्योंकि शूट तो हमारा कल है ना, कह रहा कल नहाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आज हमको मनाली पहुंचना है, यहाँ से अराउंड 10-12 घंटे की ड्राइव है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं हिमाचल कैसा है। हिमाचल में पहले एक बार आया हूँ, शिमला, वो भी शूट मौजा की शूट के लिए आया था शिमला, अब जा रहा हूँ मनाली, तब भी शूट के लिए जा रहा हूँ। तो हाँ, हिमाचल एक्सप्लोर करेंगे अब की बार, देखते हैं हिमाचल कैसा है। बाकी मम्मी पापा भी रेडी हो चुके हैं, साहिल और दिव्यांश भी रेडी हो चुका है। वैसे यूजुअली घर पर तो मैं काफ़ी लेट उठता हूँ, 10-11 बजे उठता हूँ, लेकिन यहाँ देखो भाई सुबह सुबह उठ के रेडी हो गया, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना। लेकिन पीयूष को नहीं हो रही आई थिंक एक्साइटमेंट, पीयूष ही नहीं उठ रहा, देखना नहाया भी नहीं इसने। चलो देखते हैं मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कुनाली, उठो कुनाली, उठो जा रहे हैं अब, चलो। पीयूष और कुनाली के सेम हाल है, आप नहाया, इसको उठाओ ना, उठाओ इसको, चलो चलो मेरे बिट्टू, आंगुली निकालो, अच्छी नहा के दोबारा सो गया, बता जाने लग गए कुनाल, अकेले यही रहना है, होटल पे रह जाओगे अकेले, रह जाओगे अकेले, चलो गाड़ी में सो जाना, चलो फिर गाड़ी में सो जाना, चलो गाड़ी में सो जाना, चलो चलो ला इसके जूते ला। ये देखो गाइस, सोए सोए में शूज डालने पड़ रहे हैं, वो नींद में मम्मी शूज डाल रही है उसको। कुनाली उठ जाओ, अब बच्चों के साथ में यही दिक्कत होती है, उसको नींद आ रही है लेकिन हमको निकलना है। कोई बात नहीं, अब गाड़ी में सुला देंगे उसको। तो हमारे प्रोड्यूसर भी रेडी हैं विनीत भाई, और फिलहाल अभी चेकआउट करते हैं और फिर निकलते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ पे अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए, तो इनको ना ये दिखाना पड़ता है, तो ये कार्ड सा ये दिखाना पड़ता है, तब गाड़ी की चाबी मिलती है। तो गाड़ी की चाबी खुद ही रखते हैं अपने पास। बाय द वे गाइस, एक और गाड़ी जा रही है, ये इनोवा, इनोवा बुक कर रखी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, लगेज भी है, तो इनोवा और फॉर्चुनर दोनों जाएंगी। फॉर्चुनर तो मैं ही चलाऊंगा, अगर आपको कंफर्टेबली जाना है तो इनोवा में चले जाओ, मेरे साथ आओगे। आप किस में आओगे? हम साथ जाएंगे, आगे तुम दोनों बैठोगे, पीछे हम तीन। तो मम्मी जी कह रहे हैं मेरे को इनोवा फॉर्चुनर में जाना, मेरे को तेरे साथ में जाना, तू जिस गाड़ी में जाएगा मैं उस गाड़ी में जाऊंगी। तो मैं तो फॉर्चुनर चला के जाऊंगा ना, तो मम्मी को फॉर्चुनर में आगे बिठाएंगे। सोना है, कोई नहीं, गाड़ी में सो जाना, ठीक है। अब आप शेर के साथ में बैठो, शेर के साथ में चलो चलते हैं। अब तभी गाइस निकल पड़े हैं चंडीगढ़ से, और आज मेरे साथ में विनीत भाई बैठे हैं आगे। और ये देखो चंडीगढ़ की मस्त मस्त सड़कें। कुनाली तो गाड़ी में बैठते ही सो गया मस्त, पीयूष गया इनोवा में, वो इनोवा में सो रहा होगा, कुनाली यहाँ सो रहा है, दोनों सो रहे होंगे मस्त। अभी तो 10 घंटे जाना है हमको, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद मस्त ट्रैवल करते हैं। अभी तो पहाड़ भी नहीं आए, देखेंगे हिमाचल के, मनाली के पहाड़ देखेंगे। मनाली में फर्स्ट टाइम जा रहा हूं, और मम्मी पापा को लेके। तो पीयूष इसमें है इनोवा में, तभी रुके हैं कुछ खाने के लिए। इनोवा मजा आ रहा है फुल भाई, सिंपली पराठा खा लेंगे, पराठा इधर बैठ जाओ। तो आज मम्मी जी को हवेली भी ले आया हूँ, कैसा लग रहा है हवेली? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। कितना भारी गिलास है, देखो कितना भारी गिलास है, खाली भारी है ना। तो अभी हमारा दही और परांठा आ गया, तो अभी गाइस ब्रेकफास्ट हो गया, तो चलो अब चलते हैं नॉनस्टॉप सीधा मनाली। रास्ते में अगर देखेंगे भूख लगेगी तो यहीं रुक जाएंगे। तो फाइनली हम एंटर करने वाले हैं हिमाचल में, यहाँ देखो 4 लेन है पहाड़ पे, 4 लेन। तो अभी गाइस दिक्कत होगी, कुनाली ने फिर से उल्टी कर दिया, अभी तो बहुत दूर जाना है, अराउंड 6 घंटे और दूर जाना है। तो अभी रुके हैं डीजल भरवाने के लिए, डीजल भरवाते हैं, तो इसी बहाने वॉशरूम वगैरह भी चले जाएंगे यहीं। और कुनाली अपना मस्त अकेले में सो रहा है यहाँ पे, देखो कितना क्यूट लग रहा है यार ये। ठीक हो आप? ठीक हो आप? बड़ी मम्मी तो गई, बड़ी मम्मी वापिस हल्द्वानी गई, वापिस हल्द्वानी गई बड़ी मम्मी, बस में बिठा दिया मैंने। देख लिया देख लिया। सरदा कब पहुंचेंगे? कुनाली अभी तो 5 घंटे और लगेंगे यार, इसे तेज चला के ले जाओ कि एक ही मिनट में पहुंच जाएगा। एक मिनट में? हाँ। एक मिनट में 5 घंटे का, एक मिनट में पहुंचेंगे। हाँ, फॉर्चुनर तो तेज चलती है ना, तो कम स्पीड चलती है। कह रहे फॉर्चुनर को तेज चलाओ, तेज चलती है, जल्दी पहुंचा दो। नाली तेज नहीं चलाते, आराम आराम से चलाते हैं, पहाड़ का रास्ता है ना, तेज चलाऊंगा ना फिर ऐसे घूमेगी गाड़ी, फिर आपको और उल्टी आएगी, फिर और मोशन सिकनेस और ज्यादा हो जाएगी। अगर तेज चलाऊंगा ना, वैसे भी फॉर्चुनर है, ऊंची गाड़ी है, तो और ज्यादा हिलेगी अंदर से, तो और ज्यादा हिलेगी, इनका पेट भी हिलेगा और फिर उल्टी आएगी। भाई बहुत तेज लगी, 5 घंटे से दबा के बैठा हूं मैं। तो अभी गाइस थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो अभी खाएंगे मस्त वड़ा पाव, जो कि मुंबई से लेके आए थे भाई, थैंक यू भाई। कितने लेके आए थे? 12-15 तो लाए, कम 12-15 वड़ा पाव लेके आए थे, और मैंने खा लिए कम से कम 5, तो मैंने खा लिए,
तो हाँ इतना मतलब मेरा फेवरेट है और मुंबई का है स्पेशली। 3.5 घंटे का रास्ता रह गया 112 किलोमीटर। तो गाइस फिर से वही दिक्कत होगी, कुनाली को फिर से उल्टी, सोए सोए उल्टी कर दे रहा वो। चलो मैं गाड़ी लगाता हूँ, मुझे गाड़ी थोड़ी आगे लानी पड़ी, तो पापा जी और कुनाली वहाँ पे हैं। क्या हो कुनाली, ज़्यादा हालत ख़राब होगी, ज़्यादा हो गया? अब आपको क्या लगता है, आपको लाना चाहिए था, आपको लाना चाहिए था नहीं लाना चाहिए था बताओ? लाना चाहिए था नहीं लाना चाहिए था? नहीं लाना चाहिए था ना, उल्टी हो रही है आपको इतनी, देख लो इतनी हालत ख़राब हो रही है और फिर भी कह रहे हैं लाना चाहिए था। तो गाइस कुनाली के लिए वीडियो को लाइक कर देना और म्यूजिक वीडियो को भी मस्त सपोर्ट करना, कुनाली ने इतनी मेहनत किया देखो। चलो फिलहाल चलते हैं, और क्या ही कर सकते हैं यार अब। तो भी गाइस फिर से गाड़ी रोकनी पड़ी, कुनाली रो रहा है अब। भाई हम इतनी बार उतर गए ना छाया में, चलो छाया में थोड़ी देर रेस्ट करते, 10-15 मिनट ना कुनाली को बाहर रखते हैं गाड़ी से, गाड़ी में दिक्कत हो रही है इसको। सब्सक्राइबर हाय, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, कैसे? बढ़िया। तो फिलहाल खाते हैं थेपला, ये मुंबई से आया हुआ है और विनीत भाई की मॉम ने बनाया है, थैंक यू बोल देना। अच्छा हो रहा है, तो मम्मी आपको पसंद आ गया ये थेपला। चलो अब बस जल्दी से पहुँच जाए यार, जैसे तैसे, सारा मूड खराब हो गया। तो अभी फिलहाल कुनाली को लेटा दिया यहाँ पे, सिर मम्मी जी के पैर में और पैर पापा जी के पैर में। हाँ जी सौरभ है, मैं यूट्यूब पे देख रहा था। अरे देखा, देखते हो? अरे थैंक यू। देख लो गाइस हिमाचल में भी हमको काफी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। तो यहाँ से मनाली 49। क्या रोड मस्त लग रही है मुझे, पहाड़ों पे इस तरह की रोड ना, हिमाचल में ही है ऐसी रोड। तो फाइनली गाइस मनाली पहुंच चुके हैं होटल में, तो ये हमारा होटल है, तो आज यहीं पे रुकेंगे और कल से हमारा शूट होगा। अब तो नहीं हो रही दिक्कत? तो पूरा 10 घंटे का ड्राइव मैंने किया था और सेफली सबको पहुंचा दिया, और काफ़ी मस्त रास्ते से काफ़ी मजा आया, हिमाचल मस्त लग रहा है यार। तो हाँ अब चलते हैं होटल रूम पे। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मिस्टर नितेश त्यागी, झूठा वाला, झूठा लगता वाले। आपकी बार के जो हमारे दो भाइयों वाले गाने हैं वो सर डायरेक्ट करेंगे। ऐसे वीडियो बनाने वाले ना मनाली में, बस पूछो। साहिल और पीयूष अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उनकी गाड़ी, हम पहले ही आ गए। तो ये होटल है हमारा, तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं पीयूष और साहिल का, वो आ रहे हैं इनोवा में, उसके बाद फिर चेक इन करेंगे और चलेंगे रूम में। कैसे चेक इन करनी है? चेक इन वहाँ पे आईडी देके ना, फिर रूम की चाबी मिलती है ना। हाँ गाइस कुनाली की तो लिटरली हालत ख़राब हो गई थी यार, मेरे को पता है। साहिल और पीयूष तो अपने मजे से आ रहे होंगे इनोवा में, लेकिन मुझे पता है मेरे को कैसा लग रहा था, इतना पूरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि 4-5 बार रोकनी पड़ी, कुनाली को उल्टी हो गई थी ना, लेकिन अब ठीक लग रहा है ना, ठीक लग रहा है ना। अब कल शूट करेंगे, ठीक है? हाँ। जो मेरे पेट में जो 3 दिल है ना, उनको अब कुछ नहीं हो रहा। क्या कह रहा है? कह रहा पेट में 3 दिल है, मतलब? हाँ। मतलब 3 दिल है? हाँ, 3 दिल है। कह रहा मेरे पेट में 3 दिल है मम्मी जी। कह रहा मेरे पेट में 3 दिल है। 3 दिल है कैसे? कुनाली दिल एक ही होता है? नहीं होता है। 3 नहीं होते? 3 होता है। चलो चलो खोलो खोलो, खोल दिया। अब इसको लगाओ, कहाँ इसमें लगाओ, इसमें, हाँ इसमें लगाओ, डाल दो डाल दो, खुल गया। अरे वाह ये तो मस्त रूम है यार, बाटा बाटा बाटा, बेड भी अच्छा है। इसमें मैं डूब सकता हूँ क्या? इसमें पानी भरेंगे बस। तो गाइस ये हमारा मनाली का रूम, कर्टन हटाते हैं। अरे वाह बालकनी भी है, तो ये बालकनी है, यहाँ भी बैठने का है। चलो ये रूम तो हो गया हमारा, मम्मी पापा का देखते हैं कैसा है। कहाँ है बड़ी मम्मी का रूम, कौन सा है? तो गाइस ये है मम्मी पापा का रूम, ये वाले रूम ना बड़े, यहाँ पे बेड है और यहाँ पे भी एरिया है, देखो यहाँ बैठने का है ना, ये बैठने का है और यहाँ पे बेड है, दो एरिया है यहाँ पे। गाय वाला दूध मिल जाएगा कुनाली के लिए? है कुनाली दूध पियोगे ना? गाय वाला पियोगे? दूध पियोगे ना भाई? इसमें एनर्जी आ गई इसमें। तो भी गाइस हम खाना नहीं खा रहे, बिकॉज 7 बज गए ऑलरेडी, तो हाँ 8-9 बजे हम डिनर ही कर लेंगे, इसलिए भी चाय मंगा ली, तो चाय पीते हैं। कुनाली का दूध भी आ चुका है, तो चाय वगैरह पी लिया है, अब आ चुका हूँ अपने रूम पे, अब एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ और कल से हमारी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 दिन तक, सुबह से शाम तक, रात तक, हमको लगातार 3 दिन से शूट करना पड़ेगा। तो हाँ बहुत हेक्टिक डेज रहने वाले हैं 3 दिन, लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। तो हाँ देखना, काफ़ी नई नई चीज़ों की हमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं की, तो कुछ नई नई चीज़ देखने आने वाली है, तो हाँ मैं व्लॉग में आपको दिखा दूंगा। फिलहाल तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कल के लिए, चलो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो भी गाइस रात के 1 बजने वाले हैं, एडिटिंग तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा, अपलोड किस तरह से करूँ? अब आज भी मुझे बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो नेटवर्क नहीं आ रहे, बाहर जाके पता रोड पे आ जाए। तो चलो चलते हैं मनाली की रोड पे कहीं पे और नेटवर्क ढूंढते हैं, बिकॉज यहाँ बैठे बैठे तो अपलोड नहीं रहा, बाहर जाके क्या पता हो जाए। ट्रैवल करता हूँ तो यही सीन होता है, कल चंडीगढ़ में यही सीन था, आज भी यही सीन है। बाकी पूरी फैमिली तो सो चुकी है मस्त, तो मैंने जैकेट डाल लिया, बिकॉज बाहर ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। भाई स्पीड देखो क्या आ रही है, 0, बिल्कुल 0 आ रही है स्पीड। तो गाइस फाइनली इंटरनेट मिला है और अभी अपलोड हो रही है, और मैंने
लैपटॉप विनीत भाई के हाथ में पकड़ा दिया है। ये देखो 40% हो गया, अभी एक घंटा और बता रहे हैं। तो फाइनली गाइज अपलोड हो चुके हैं, अब चलते हैं रूम में। तो चलो अब मैं ब्लॉग को एंड कर देता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। कल हमको निकलना है सुबह सुबह शूट पे 6 बजे, तो अब सोते हैं, 1-2 घंटा सो जाते हैं जितना भी सोएंगे। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। गाइज रूम पे पहुंचते सबके सब फोन पे लगे, मम्मी पापा साहिल पीयूष, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो मम्मी पापा पीयूष साहिल यहाँ पे लगा पड़ा है, यहाँ के भी फोन पे लगे हो। अच्छा ब्लॉग देख, हाँ ब्लॉग, हाँ फिर चला लो, चला लो ब्लॉग, हाँ फिर चला लो, फिर हाँ हाँ फिर देख लो। गाइज ब्लॉग देख रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हैं, सही है ब्लॉग। अब ब्लॉग आप भी देखा करो, कहीं बाहर जाओगे तो ब्लॉग देखा करो।